हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रियांक भट्ट आपका स्वागत करता हूँ प्रियांक भट्ट मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब? हम 11th क्लास की मैथ्स देख रहे हैं, जिसका हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, एक्सरसाइज 4A तक हमने कवर कर लिया है। आज की जो हमारी क्लास है वो एक्सरसाइज 4B की है। ठीक, लेकिन इसका भी मैंने एक पार्ट आपको अपलोड करा दिया है, और आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो आप उसको जाकर देख सकते हो। उस क्लास में जो क्वेश्चन बच गए थे आज मैं वो आगे कराने वाला हूँ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4B आज हम सॉल्व करेंगे, जिसका कि ये पार्ट सेकंड है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4B पार्ट सेकंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 cos थीटा प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, बराबर 5। इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको यहाँ ले जाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2, यहाँ ये आ गया तो बन जाएगा 5 cos थीटा। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ ले आएंगे, -5 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसका फैक्टर कर सकते हो, है ना? ये 2 यहाँ मल्टीप्लाइड होगा, तुमको इसको ऐसा ब्रेक करना है कि इंटू करने पे 4 आए, 2 दूनी 4, और जोड़ने घटाने पे क्या है, -5। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये होगा 2 cos थीटा माइनस, इसको लिख दो -4 cos थीटा और -cos थीटा प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से 2 cos थीटा कॉमन आ गया, इन दोनों को देखेंगे पहले फिर इन दोनों को, है ना? 2 cos थीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा cos थीटा माइनस का 2। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिए, तो ये बचा cos थीटा -2 इक्वल टू 0। अब दोनों में ये कॉमन है, क्या जाएगा? cos थीटा -2। ठीक है, और एक ब्रैकेट में जाएगा 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0। ये जाएगा cos थीटा -2 बराबर 0। पहले इसको 0 रखोगे तो ये आएगा cos थीटा बराबर 2, और यहाँ से क्या जाएगा, cos थीटा बराबर 1/2। ठीक है, आप ये रख लेना वैल्यू। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये तो वैल्यू आती नहीं cos में, वो नहीं आती है, cos 1/2 आता है। तो cos थीटा बराबर 1/2, ये किसकी वैल्यू होती है? cos of 60 डिग्री, क्योंकि साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है 1/2। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा cos 60 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1/2। तो हम cos 60 क्या लिख सकते हैं? cos π/3, है ना? ये लिख सकते हैं। तो इसका cos थीटा बराबर cos α जब होता है, तो थीटा बराबर क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन, 2nπ प्लस -π/3। ठीक है, ये होता है, आगे समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल ये लिखा हुआ है आपके सामने। देखिए, हम जानते हैं कि 1 प्लस tan² थीटा बराबर क्या होता है? sec² थीटा। यहाँ वैल्यू रख देंगे हम, 3 हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा tan² थीटा प्लस tan² थीटा इज इक्वल टू 5, है ना? ये कितना हो गया? 3, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 tan² थीटा इज इक्वल टू 5, यही होगा। 3 का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 3 एकम 3, 3 दूनी 6 tan² थीटा, यहाँ आ जाएगा 5। तो 6 tan² थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 3 करोगे, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, तो tan² थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 अपॉन 6, मतलब 1/3, सॉरी 1/3 आएगा। हमें यहाँ पर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, tan² थीटा इक्वल टू 1/3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की। ठीक है, और उसका आपको करना है स्क्वायर। सो tan² थीटा इज इक्वल टू tan² π/6, है ना? तो थीटा इज इक्वल टू n π + -π/6। ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन निकल के आएगा, क्लियर है? चलिए अब अगला देखते हैं। ये सवाल देखिए स्टूडेंट, ये क्या है? tan² थीटा प्लस cot² थीटा, इस 2 को मैं यहां ला सकता हूं,
इनटू में वन लिख सकता हूँ, इसके लिख सकता हूँ है ना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टू, क्या वन की जगह टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वन होता है ना। ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये आएगा बराबर जीरो। ये स्क्वायर हटा दोगे तो यहाँ जीरो ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर जीरो। सो टेन थीटा माइनस वन अपॉन, इसको क्या लिख लेते हैं, टेन थीटा इक्वल टू वन। क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे, यहाँ मल्टीप्लाइड करोगे एलसीएम लेके, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, ये जीरो है ठीक है, ये जीरो हो गया, ये टेन थीटा आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा को जब यहाँ लाओगे तो जीरो हो जाएगा, तो टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, क्या जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। ये किसकी वैल्यू होती है, टेन स्क्वायर पाई बाई फोर की। टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा है, तो थीटा बराबर क्या होगा, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर। ये मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ, ये मैं आपको बेसिक क्लास में पूरे फॉर्मूले याद करा चुका हूँ, तो अभी तक आपने बेसिक क्लास नहीं देखी तो आप वहां जाके इसको देख सकते हो ठीक है। ये पूरे फॉर्मूले मैंने आपको ड्राइव कराए हैं और इनको कैसे याद रखना है वो भी आपको बता दिया ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस रूट थ्री, टेन थीटा प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। इसमें हम क्या करेंगे, देखो टेन स्क्वायर थीटा, इस माइनस का मल्टीप्लाइड कर दो टेन थीटा के साथ, इसमें करोगे तो माइनस का ही हो जाएगा टेन थीटा, ये प्लस से माइनस रूट थ्री, और इसमें भी क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस रूट थ्री बराबर जीरो ठीक है। अब दो दो टर्म ले लो, दो दो टर्म लोगे तो इसमें टेन थीटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ जाएगा टेन थीटा माइनस वन ठीक है, यहाँ से माइनस का रूट थ्री कॉमन, तो क्या आ जाएगा टेन थीटा माइनस वन बराबर जीरो, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे ठीक है, टेन थीटा माइनस वन और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा टेन थीटा माइनस का रूट थ्री बराबर जीरो। तो एक बार इसको बराबर जीरो करोगे तो आएगा टेन थीटा बराबर वन, और एक बार इसको जीरो करोगे तो क्या आएगा टेन थीटा बराबर रूट थ्री, यही आएगा। अब देखो टेन थीटा बराबर ये वैल्यू होती है टेन पाई बाय फोर 45 की, ये वैल्यू किसकी होती है, टेन थीटा इक्वल टू टेन 60 डिग्री मतलब पाई बाई थ्री। सो थीटा बराबर क्या जाएगा एन पाई प्लस पाई बाई फोर, यहाँ से थीटा बराबर एन पाई प्लस पाई बाय थ्री, क्लियर है आगे समझ में। चलिए अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसको कैसे सॉल्व करना है हमको, ये क्या लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, आप इसमें मल्टीप्लाइड कर दो प्लस रूट थ्री कॉट थीटा प्लस, ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा अपॉन रूट थ्री है ना, प्लस का वन बराबर जीरो ठीक है। अब आप दो दो टर्म ले लो इसके, तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा कॉट थीटा कॉमन आ जाएगा ठीक है, ब्रैकेट में बचेगा कॉट थीटा प्लस रूट थ्री प्लस, यहां थोड़ा सा देखिए यहाँ पर समझना है, वन की जगह सॉरी ये प्लस है, वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं रूट थ्री अपॉन रूट थ्री लिख सकते हैं क्या, कैंसिल हो जाएगा वन ही आ जाएगा, तो आप यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे वन बाय रूट थ्री कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा कॉट थीटा प्लस रूट थ्री बराबर जीरो, और यहाँ पर क्या था कॉट थीटा और ये था कॉट थीटा प्लस रूट थ्री, ये देखिए दोनों टर्म एक से आ गए है ना, तो कॉट थीटा प्लस रूट थ्री ये कॉमन आ जाएगा ठीक है, और यहाँ पर क्या जाएगा कॉट थीटा प्लस वन बाय रूट थ्री, तो ये दो इक्वेशन मिल गए। एक एक करके दोनों को जीरो के बराबर पुटअप करते हैं, तो कॉट थीटा बराबर माइनस का रूट थ्री, और यहाँ लिख लो कॉट थीटा बराबर माइनस वन अपॉन रूट थ्री ठीक, तो ये कॉट थीटा बराबर रूट थ्री वैल्यू किसकी होती है, इसमें होती है 30 डिग्री की है ना, माइनस 30 मतलब कॉट पाई बाय सिक्स, और यहाँ पर क्या जाएगा कॉट थीटा बराबर ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है इसके ठीक है, मतलब कितना जाएगा माइनस कॉट पाई बाई थ्री ठीक है। अब आप देखो कॉट के टर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन इसका तो कोई सॉल्यूशन होता नहीं है, है ना, इनका सॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए हम इसको टेन के टर्म में कन्वर्ट करेंगे,
ठीक, तो टेन के टर्म में करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये जाएगा वन अपॉन टेन थीटा बराबर, ये क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन रूट थ्री, सॉरी वन अपॉन रूट थ्री लिख रहा हूँ, ये रूट थ्री हो जाएगा माइनस के साथ, है ना। यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री। तो एक बार जो टेन थीटा है वो कितना आ जाएगा, माइनस का वन बाय रूट थ्री आ जाएगा, और यहाँ से एक बार टेन थीटा लोगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का रूट थ्री। कैसे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देना इसको, है ठीक है। अब हम टेन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, तो ये क्या जाएगा माइनस ऑफ टेन, ये 30 की वैल्यू होती है मतलब पाई बाई सिक्स, सो थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस को आप अंदर ले सकते हो इसलिए आएगा एन पाई माइनस पाई बाई सिक्स, पहला आंसर ये हो गया। और यहाँ पर जब लोगे थीटा तो कितने की वैल्यू होती है, ये टेन पाई बाई थ्री की वैल्यू विथ माइनस साइन, तो एन पाई प्लस की जगह क्या जाएगा माइनस ऑफ पाई बाई थ्री, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, देखो इसमें क्या है, कॉट और टेन है ना, तो हम इसको क्या करते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख लेते हैं, प्लस इसको लिख लेते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर इसको टू कोसेक थीटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, यहाँ मल्टीप्लाइड ये यहाँ और इसका यहाँ, ये यह बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। टू कोसेक को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन थीटा, ये तो कैंसिल हो गया, ये वन हो जाएगा, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, टू कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, सो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, वन बाय टू, कॉस थीटा वन बाय टू कितने पे होता है, कॉस 60 डिग्री, मतलब कॉस पाई बाय थ्री, सो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय थ्री, ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। आगे समझ में, चलिए अब अगला सवाल, इसमें देखिए टू टेन थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस वन, अब इसको क्या करते हैं, टू टेन थीटा माइनस इसको लिख लो वन अपॉन टेन थीटा प्लस का वन बराबर जीरो, मल्टीप्लाइड करो यहाँ यहाँ भी, ये हो जाएगा टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस का वन और प्लस का टेन थीटा, पूरे के बटे में क्या जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, अब इसको यहाँ लागू तो जीरो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, है ना, तो टू टेन स्क्वायर थीटा ये प्लस का टेन थीटा माइनस का वन बराबर जीरो, ठीक है, जीरो मल्टीप्लाई करोगे जीरो आ जाएगा। अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तो टू टेन स्क्वायर थीटा इसका मल्टीप्लाइड हम यहाँ करते हैं, है ना, ये ट्रिक हमने 9th क्लास में पढ़ी है, तो ये माइनस टू होना चाहिए गुणा करने पे और जोड़ने घटाने पे प्लस का टेन थीटा, ठीक है, तो प्लस टू टेन थीटा माइनस टेन थीटा ऐसा लिखा जा सकता है इसको, ठीक। अब दो दो टर्म ले लो, टू टेन थीटा कॉमन ले लोगे अगर तो कितना आ जाएगा टेन थीटा प्लस वन, इनमें से माइनस का वन कॉमन ले लो तो आ जाएगा टेन थीटा प्लस वन बराबर जीरो, ठीक है। अब ये हो गया टेन थीटा प्लस वन एक ब्रैकेट में कॉमन आ गया, और दूसरे वाले में क्या बचेगा टू टेन थीटा माइनस वन बराबर जीरो, सो टेन थीटा इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू आएगी माइनस वन, और यहाँ पर आएगी टेन थीटा की वैल्यू, इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आएगी वन बाय टू, ये तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, वन बाय टू आता नहीं है इसमें, ठीक है, ये वाली की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, सो टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन पाई बाय फोर, ठीक है। अब आप इसको माइनस को आप अंदर भी लिख सकते हो इसके, क्योंकि टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है ना, तब ये आ गया टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, सो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू माइनस पाई बाय फोर है, विच मीन्स एन पाई माइनस पाई बाय फोर, ये हमारे थीटा की वैल्यू हो जाएगी, क्लियर है, आगे समझ में। चलिए अब अगला देखते हैं, ये सवाल देखो, सेक स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा होती है, रख देते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस फोर टेन थीटा प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसमें रखेंगे वैल्यू, तो ये टेन स्क्वायर थीटा को हम पहले लिख लेते हैं,
ये माइनस का 4 tan थीटा हो गया, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। उसको ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाइड करने पे प्लस का 3 आए और जोड़ने घटाने पे क्या आए, -4। तो हम इसको लिखते हैं -3 tan थीटा और इसको लिखते हैं -10 थीटा और इसको लिखते हैं +3 इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म में को ले लो और इनको ले लो, है ना। तो 10 थीटा इज इक्वल टू, ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ 10 थीटा माइनस कितना बचेगा 3, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन, 10 थीटा ये माइनस का 3। ठीक है, माइनस कॉमन लोगे तो ये साइन बदल जाएंगे, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। ठीक है, अब 10 थीटा माइनस का 3 एक ब्रैकेट में आ गया, ये दोनों कॉमन है, और अगले ब्रैकेट में क्या आ गया, 10 थीटा -1 बराबर 0। तो 10 थीटा की देखो एक वैल्यू क्या आएगी, 3, और 10 थीटा की एक वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो यहाँ पर 10 थीटा की स्क्वायर में वैल्यू 3 होती है, ऐसी वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसका सॉल्यूशन आप जानते हैं, 1 कितने में वैल्यू होती है, पाई बाय 4 में। सो थीटा इज इक्वल टू n π + π/4, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, ये देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। अब ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, तो हमको इसको ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाइड में 3 आए और जोड़ने घटाने पे 2 आए। कर लेते हैं, 3 tan² थीटा, इसको लिख सकते हैं हम क्या, 3 tan थीटा -10 थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। देखिए 3 में से एक चला जाएगा, 2 बचेगा, 2 tan थीटा, और मल्टीप्लाइड करोगे तो -3 बन रहा है ना, यही 1 है। अब यहाँ इन दोनों टर्म को ले लो और यहाँ पर इन दोनों टर्म को ले लो, तो यहाँ से √3 tan थीटा ये कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 10 थीटा। देखो 3 के अंदर क्या है, √3 × √3 लिखा जा सकता है 3 को, तो 1 √3 आपने बाहर निकाल लिया तो 1 √3 बचेगा अंदर, है, और 10 थीटा बाहर निकल गया है। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आ गया तो ये क्या बचेगा, 10 थीटा + √3 बराबर 0। ये दोनों टर्म कॉमन है, 10 थीटा प्लस रूट थ्री, और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, √3 tan थीटा और -1 = 0। तो एक वैल्यू आपको क्या मिलेगी 10 थीटा की, -√3, एक वैल्यू क्या मिलेगी 10 थीटा की, 1/√3। ठीक है, ये वैल्यू किसकी होती है, 10 थीटा बराबर -10, ये होती है 60 डिग्री में, है ना, मतलब π/3। और ये कितनी होती है, ये 10 30 की वैल्यू होती है, मतलब 10π/6। फर्स्ट वाले का जो आंसर आएगा उसको आप ऐसा लिखेंगे, 10 थीटा इज इक्वल टू 10 ऑफ माइनस, हम अंदर ले जा सकते हैं, सो वी विल गेट 10 - π/3। तो थीटा इज इक्वल टू n π + -π/3, है ना, तो n π इसको हम क्या लिख लेंगे, -π/3। ये वाला जो सॉल्यूशन है उसको लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू n π + π/6। क्लियर है, आ गया समझ में। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4B। अगर आपको इसमें कोई डाउट है या इससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और वहां पर भी अपने डाउट बता सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।